हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एज वेल एज फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट आई एम पुटिंग द हियर व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब सबसे पहले ये समझना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चीज़ होती क्या है। तो नाम से पता चल रहा है, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो व्हेन एवर यू हैव इलेक्ट्रॉन, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। सो व्हाट इट डज, इट डील्स विथ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शन एंड अ केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन होंगे उनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब एक प्रकार से एनर्जी ही आपको लेनी है। अच्छा, ये समझने से पहले मैं कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी बता देता हूँ, ठीक है। सी, वी हैव अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, we have a coal power plant, we have a wind power plant, and then solar power plant भी होता है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या करते हैं, they are the source of energy। ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, मैकेनिकल पार्ट्स के थ्रू उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। नाउ सी, ये सब के अंदर क्या होता है भाई, मैकेनिकल पार्ट्स आर इन्वॉल्व्ड। ये लोग वर्क तो करेंगे, आपको एनर्जी भी देंगे, बट देर विल बी द पार्टिसिपेशन ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स। अभी मैकेनिकल पार्ट्स क्या होता है, आपने ऑलरेडी देखा होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूजन रिएक्शन कराते हैं, हैवियर आइसोटोप को ब्रेक करके स्मॉलर आइसोटोप बनाते हैं और वो एनर्जी देता है। वो एनर्जी क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करके स्टीम बनता है, वो स्टीम हम लोग टर्बाइन पे गिराते हैं, टर्बाइन मूव करती है तो वो हमको इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए आपने बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स का इन्वॉल्वमेंट लिया है, तो वो अलग अलग पावर प्लांट में यूटिलाइजेशन किया जाता है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये बड़ा सिंपल सा सोर्स है, ये होता है सिंपल सा प्रोसेस होता है जो आपको इलेक्ट्रिक करंट दे देगा बिना किसी का मैकेनिकल पार्ट्स के इन्वॉल्वमेंट के। सो अब इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट जो होगा वो प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन हैपनिंग विद इन द सेल। अच्छा, अब जो सेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। द सेल जो होता है, इट्स ऑफ टू टाइप। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ये दो टाइप के में डिवाइड हो जाता है, आपका गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को ही हम लोग वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, एंड सेकंड पार्ट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों में क्या बेसिक सा डिफरेंस है वो मैं अभी डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सेल चीज़ क्या होती है। देखिए, क्या होता है कि जब आप कोई भी डिवाइस बनाते हैं, जब बैटरी बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, टू हाफ सेल मिलके क्या होता है, कंप्लीट सेल बनता है। अब ये टू हाफ सेल क्या है अभी, एक तुम्हारा एनोड वाला होता है और दूसरा तुम्हारा कैथोड वाला हाफ सेल होता है। एनोड हाफ सेल एंड द कैथोड हाफ सेल। एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है। व्हाट इज़ रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नथिंग बट अ करंट। तो जब आप केमिकल रिएक्शन करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, तो एनोड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड के ऊपर जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उसके प्रोसेस के थ्रू जो हो रहा है, हमारी करंट, आपका जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वजह से हमको करंट मिलता है। तो
पहले मैं बात करूँ सेल क्या होता है. सेल इज एन डिवाइस विच इज़ मेड अप ऑफ अ टू इलेक्ट्रोड. टू इलेक्ट्रोड आई कैन सी द टू हाफ सेल, दैट इज योर एनोड हाफ सेल एंड द कैथोड हाफ सेल. एनोड पे ऑक्सीडेशन वाली हाफ रिएक्शन होती है और रिडक्शन वाली हाफ रिएक्शन कैथोड पे होती है. जब दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा तो वो कंप्लीट सेल बन जाता है. नाउ कम बैक टू दिस गैल्वेनिक सेल. अब गैल्वेनिक सेल जो होता है वो क्या करता है, गैल्वेनिक सेल क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करके देगा. ठीक है, तो वो टाइप का जो भी सेल होगा उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल बोल सकते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये स्पॉन्टेनियस इन द नेचर होता है. ये MCQ का एक क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ. इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस इन द नेचर. आई विल डिस्कस लेटर ऑन इन डिटेल स्पॉन्टेनियस नाम की चीज़ क्या होती है. स्पॉन्टेनियस इन नेचर मतलब ये खुद से हो रहा है. आपको कोई यहाँ पे एक्सटर्नल जो है ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस नहीं लगाना नहीं है. द थिंग विच इज़ हैपनिंग बाई इट्स ओन इज कॉल्ड एज अ स्पॉन्टेनियस. इन द थिंग विच इज़ गेटिंग डिमांड विच डिमांड्स द ड्राइविंग फोर्स टू हैपन उसको हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, जो कि आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है. इट इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस इन द नेचर. एंड वॉट इट एक्चुअली डज हियर केमिकल, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. बात समझ में आ रही है, मतलब केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो होगा वो बनेगा. अच्छा, इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आता है आपका रिकग्नाइज करना पॉजिटिव पार्ट कौन सा है और नेगेटिव पार्ट कौन सा है. देखिए इन जनरल पहले मैं आपका बात कर ले तो गैल्वेनिक का, तो गैल्वेनिक सेल में कैसा होता है कि योर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को तुम्हारा एनोड वाला पार्ट लगा होता है. ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल जो होगा वो एनोड को कनेक्टेड होगा और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो तुम्हारा कैथोड को कनेक्टेड होता है. और हमको पता है एनोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड के ऊपर क्या होती है, रिडक्शन होती है. तो ये दो हाफ सेल जो हैं दो हाफ इलेक्ट्रोड के ऊपर होगा और दोनों को कपल कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ योर सॉल्ट ब्रिज. और वी कैन हैव अ डायरेक्टली लाइक योर आपका जो ड्राई सेल आता है वो डायरेक्टली, उसमें कोई सॉल्ट ब्रिज जैसा चीज़ नहीं होता है, तो वो कंप्लीट सेल बन जाता है. बोलने का मतलब दो हाफ सेल आपस में जुड़ेगा तो कंप्लीट सेल बनेगा, और कंप्लीट सेल बनने के बाद ही हमको वहाँ पे कुछ करंट मिलेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझ के लेना है. नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज़ योर एनोड फॉर गैल्वेनिक सेल, अदरवाइज जो नॉर्मल ट्रेंड होता है वो उल्टा होता है, इसका रिवर्स होता है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको दिमाग में रखना है. खाली गैल्वेनिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करोगे तो उसमें जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो तुम्हारा कौन सा होगा, कैथोड होगा, और एनोड वाला विल बी द पॉजिटिव टर्मिनल. एंड ऑलवेज एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे ही रिडक्शन होती है. आपको ये जस्ट दिमाग में रखना है कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एनोड एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू कैथोड इन द केस ऑफ गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल ओनली. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. ओके, सो नाउ मूविंग अहेड. अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे आता है, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे आता है, वो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं. जस्ट पे अटेंशन. जब आप क्या करते हैं, किसी भी मेटल रॉड को उसके आयन के सॉल्यूशन में डीप कर देते हैं. व्हेन द मेटल रॉड इज़ गेटिंग इंसर्टेड इन इट्स आयोनिक सॉल्यूशन, तो वहाँ पे एक पोटेंशियल का डिफरेंस आता है. सी अ पोटेंशियल करंट जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आता है. जस्ट यहाँ पे देखिए, यू आर अ कंटेनर. ये कंटेनर के अंदर आपने मान लीजिए CuSO4 फिलअप करके रखा है, इट इज़ ब्लू इन कलर. अब आपने क्या किया, इसके अंदर एक कॉपर की मेटल इंसर्ट कर दी. ये वायर के थ्रू मैंने कनेक्ट कर दिया है. अच्छा, अब क्या होगा भाई, इसी के साथ में मैंने एक दूसरा भी रख लिया है, समझ लेते हैं. आपके पास यहाँ पे
मान लीजिए जिंक की रॉड है और इसको मैंने इंसर्ट कर दिया है ZnSO4 के अंदर, यहाँ पे अमीटर लगा दिया है मैंने, कुछ करंट आएगा वो दिखाएगा और ये इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूँगा विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज, विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसको क्यों यूज़ करना है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। दिस इज़ योर सॉल्ट ब्रिज। फिलहाल आपको यही समझना है कि ये अकेला है, जॉइंट नहीं है, एक एक करके समझेंगे तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा। दिस इज़ योर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन एंड दिस इज़ योर ZnSO4 का सोल्यूशन और ये तुम्हारा क्या है, जिंक की मेटेलिक रॉड है। अब होता क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब आप क्या करते हैं किसी भी मेटल को उसके आयन के सोल्यूशन के अंदर डीप करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो मेटल है जिंक के सोल्यूशन के अंदर जब डीप होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये एक्वियस फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से जो मेटल हैं वो क्या होगा, सोल्यूशन के अंदर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट आयन, वो सोल्यूशन के अंदर घूम रहा है, बात समझ में आ रही है। कौन, यहाँ पे आपको Zn+2 आयन्स बहुत सारे दिखेंगे और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो मेटल की रॉड के ऊपर कंसेंट्रेटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा, वो मेटेलिक रॉड के ऊपर रहेगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो थ्रू एक्सटर्नल सर्किट वायर के थ्रू ट्रेवल करेगा और इधर पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे कौन है भाई, कॉपर है, तो कॉपर का भी वही काम होता है, वो डाइवेलेंट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये Cu+2 बना रहता है, वो दो इलेक्ट्रॉन वहाँ से जो एक्सटर्नल वायर के थ्रू आएंगे उनको गेन करके कॉपर मेटल बन जाएगा, दैट इज़ अ सॉलिड फॉर्म। ठीक है, ये आपका एक्वियस है, तो ये आपकी एनोड वाली रिएक्शन है और ये आपकी कैथोड वाली रिएक्शन है। इन दोनों को आपने कपल कर दिया, जोड़ दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेल रिएक्शन। तो जिंक सॉलिड प्लस Cu+2, ये और ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, विल गिव यू Zn+2+Cu सॉलिड, बात समझ में आ रही है। ये आपकी क्या है, दिस इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है इस रिएक्शन के अंदर, हेंस आई एम कॉलिंग इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। सो जब मेटल को आपने उसके सोल्यूशन के अंदर डीप किया तो वो आयन को डाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट या मोनोवेलेंट आयन, जो भी मेटल रहेगा उसके हिसाब से वो डिसोसिएट होगा, आयन के अंदर सोल्यूशन के अंदर जाएगा एंड द नेगेटिव चार्ज विल बी गेटिंग कंसनट्रेटेड ओवर द मेटेलिक रॉड, देन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो आपके हाईली डिपॉजिट होंगे सरफेस के ऊपर वो एक्सटर्नल वायर के थ्रू ट्रेवल करते हुए दूसरे वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे। सो दैट्स हाउ वी गेट अ करंट और इसका कुछ न कुछ तो वोल्टेज होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज यूज़ किया है, तो सॉल्ट ब्रिज का जो यूज़ करने का मोटो होता है वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को एलिमिनेट करने का होता है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए, दो पोटेंशियल को मैंने कंबाइन किया है, ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। आप आगे सीखेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब ये हो जाता है कि आपको 1 मोलार कंसेंट्रेशन दी होगी, आर यू गेटिंग, 1 ATM प्रेशर होगा, दैट इज योर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एंड द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी 298 केल्विन। मतलब इस कंडीशन के ऊपर अगर आप प्रोसेस को कर रहे हैं तो जो भी EMF आएगा वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो OP एंड RP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही होगा और रिडक्शन पोटेंशियल RP होगा। स्टैंडर्ड तब लिखा जाएगा जब वहाँ पे ये कंडीशन रहेगी। आई होप ये समझ में आ रहा है। अच्छा, तो ये तुम्हारा हाफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, दिस इज़ योर रिडक्शन पोटेंशियल व्हेन यू कंबाइन OP प्लस RP। तो E0 सेल जो है, या E सेल जो मैं बोलूँ यहाँ पे, अगर ये स्टैंडर्ड होता तो E0 सेल इक्वल्स टू E0 OP प्लस E0 RP, ये दोनों को आप जोड़ देंगे तो जो भी EMF आएगा वो इस सेल रिएक्शन के टाइम का वोल्टेज है। बात समझ में आ रही है। ओके, नाउ मूविंग अहेड विल सी द व्हाट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, वो क्यों यूज़ किया जाता है,
सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज़ किया जाता है वो मैं बताने का कोशिश कर रहा था, जस्ट पे अटेंशन। नो, सॉल्ट ब्रिज ये क्या नाम की चीज़ होती है भाई? इट इज़ इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब, ठीक है भाई। मान लेते हैं ये आपका ये दो रॉड, दो इसको आर्म्स हैं, आपने दो बीकर के अंदर इंसर्ट कर देना है। तो ये एज अ मेडिएटर का काम करता है, इसके अंदर KCl, KNO3 का के अंदर इसको डीप करके रखता है और यहाँ पे कॉटन्स प्लग होता है, इसके अंदर फिल्ड किया जाता है अगार अगार जेल जो एल्गे से मिलता है हमको। यहाँ पे कॉटन्स लगे होते हैं सो दैट द जेल विच इज़ फिल्ड इनसाइड द आर्म्स शुड नॉट गेट आई मीन शुड नॉट फॉल आउट ऑफ द ट्यूब। सो इट इज़ अ कॉटन और ये जो होता है ये तुम्हारा अगार अगार जेल होता है, ठीक है भाई। अच्छा, KCl और KNO3 के अंदर इसके लिए रखा जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है और एट द सेम ये तुम्हारा इसके अंदर आयनिक मोबिलिटी आयंस की अच्छी खासी होती है। और इसके अंदर जब आप इसको यूज़ करेंगे दो सॉल्ट दो हाफ सेल को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, कंप्लीट सेल बनाने के लिए, तो ये क्या करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हटा देता है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को अवॉइड करता है क्योंकि जब दो लिक्विड का दो डिफरेंट कंसेंट्रेशन का लिक्विड आपस में जुड़ेगा ना तो वहाँ पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आ जाता है और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का कुछ ना कुछ तो वोल्टेज होता है, वो 1 से 2 मिली वोल्ट का होता है। तो वो 1-2 मिली वोल्ट जो है ना आपका एक्चुअली कम आएगा। आर यू गेटिंग? दैट इज़ व्हेन वी सी द रेजिस्टेंस आपके वायर में आता है तो आपका एक जो इनपुट वाला वोल्टेज है वो आउटपुट पर नहीं आएगा बिकॉज ऑफ सम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ होता है, तो जब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आएगा तो वो 1 से 2 मिली वोल्ट का जो वोल्टेज का जो करंट है ना वो ड्रॉप कर देगा। तो अगर आप वो नहीं चाहते हो कि ड्रॉप नहीं होना चाहिए तो वी शुड यूटिलाइज दिस। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। सो व्हाट एक्चुअली इन हैपनिंग द केस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, पहली बात तो आपको बताना इट इज़ इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब विच इज़ फिल्ड विद अगार अगार जेल सोल्यूशन एंड दे आर केप्ट इन अ KCl और KNO3 काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विच मेंटेन्स द योर आयनिक मोबिलिटी, मतलब वो आयनिक मोबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि अगर आयनिक मोबिलिटी डिस्टर्ब हो गई तो आप इसको जब ज्वाइन करेंगे तो वो आयनिक कंडक्ट नहीं कर पाएगा। आर यू गेटिंग? अच्छा, अब आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हाउ वी गेट अ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है ध्यान से देखिए, हाउ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अराइज़, ये भाई आता कैसे, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया, इफ़ टू इलेक्ट्रोलाइट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज़ फॉर्म्ड। और एग्जाम्पल के तौर पर ले तो HCl, इफ़ टू डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ HCl इज़ मिक्स्ड, तो जब दो HCl है दोनों की कंसेंट्रेशन अलग है दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो ये केस में भी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बनेगा। तो कैसे बनता है देखिए, जो आपका आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो जो है ना वो शिफ्ट होता है, मतलब एक तरफ पॉजिटिव जाता है और एक तरफ नेगेटिव आता है।